नमस्कार, मैं नीता देवलिया, योग विभाग स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा से। आज का जो हमारा विषय है वो है योग के बाधक तत्व। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। विशेष रूप से हट प्रदीपिका में वर्णित बाधक तत्वों का आज हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बाधक तत्व क्या होते हैं। हट प्रदीपिका के अनुसार मैं वर्णन करूंगी 6 बाधक तत्वों का, जो कि योग साधना का अंतिम जो लक्ष्य है वो है मुक्ति अर्थात मोक्ष। तो मोक्ष की साधना में अर्थात योग साधना में जब साधक साधना करता है तो क्या ऐसे तत्व हैं जो उसे बाधित करते हैं उसकी साधना को, या फिर हम कह सकते हैं उसे योग से भटकाते हैं, उसे पदभ्रष्ट करते हैं। तो विशेष रूप से उनका वर्णन हट प्रदीपिका में किया गया है ताकि सावधानी पूर्वक साधक अपनी साधना कर सके। तो आइए हम चर्चा करते हैं हट प्रदीपिका में वर्णित बाधक तत्व कौन कौन से हैं। जैसा कि आपको बताया, योग में जो बाधक तत्व होते हैं उनका तात्पर्य यही होता है जो मार्ग में साधना के दौरान आने वाली बाधाओं से होता है। और हट प्रदीपिका के अनुसार है अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंघश्च, लौल्यम च, षड्वियोगो विनश्यति। इस प्रकार से प्रथम अध्याय में 15वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है, जिसका अर्थ है अधिक भोजन, अत्यधिक श्रम, अधिक बोलना, नियमों के पालन में आग्रह, अधिक लोक संपर्क और मन की चंचलता। ये 6 प्रकार के योग को नष्ट करने वाले तत्व बताए गए हैं जो कि योग साधना की प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे। जो पहला है अत्याहार, अर्थात अत्यधिक आहार ग्रहण करना, यानी सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो जो अपनी जरूरत है, भूख है, उससे ज्यादा अधिक भोजन ग्रहण करना। और सामान्य रूप से भी हम जानते हैं इस बात को हम जानते हैं कि जो अत्याहार होता है यानी अत्यधिक भोजन करना होता है वो शरीर को भी हानि पहुंचाता है, जिसका कि वर्णन स्वामी स्वात्माराम जी ने किया गया है बाधक तत्व में। क्योंकि जो अत्यधिक भोजन लेने से जठराग्नि होती है अर्थात जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए साधना में जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च होती है, जो कि साधक को बचाकर रखनी है। साथ ही जब साधक अत्यधिक आहार ग्रहण करेगा तो उसे आलस्य का अनुभव भी होगा, जिस वजह से वो अपनी योग साधना से भटक सकता है या उसको अनुष्ठान करने में वो आलस कर सकता है। क्योंकि जो हठ योग के ग्रंथ हैं उनमें वर्णन किया गया है, मिताहार का वर्णन किया गया है, अर्थात संयमित आहार को ग्रहण करना, जितनी भूख है उससे आधा भोजन ग्रहण करना, आधा पेट भोजन ग्रहण करना और थोड़ा पानी और थोड़ा वायु के लिए बचाकर रखना। तो मिताहार का विशेष रूप से स्थान है, इसलिए अत्याहार को यहाँ पर बाधक तत्व का नाम दिया गया है। जो दूसरा हमारा बाधक तत्व है वो है प्रयास, यानी अत्यधिक प्रयास। यहाँ पर प्रयास की बात की गई है, जो कि अत्यधिक प्रयास की बात की गई है। योग साधना में जरूरत से ज्यादा यानी सामर्थ्य से ज्यादा अभ्यास करने से, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के अभ्यास करने से साधक को बचना चाहिए। क्योंकि सामान्य रूप से भी यदि हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा अभ्यास जो होता है उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्तर पर पड़ता है, इसलिए पहले ही इस बात की चर्चा की गई है, पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि ज्यादा अगर जरूरत से ज्यादा साधक अभ्यास करेगा तो वो उसकी साधना में बाधा उत्पन्न करेंगे, वो उसके लिए साधक तत्व नहीं होंगे, यानी उसके लिए सहयोगी ना होकर वो उससे बाधा उत्पन्न करेंगे। और वहीं जो अत्यधिक शारीरिक और मानसिक थकान जो उसे होगी उसकी वजह से उसमें राजसिक और तामसिक गुणों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि फिर से उसे थकान महसूस होगी और वो आलस्य का अनुभव करेगा। और इसके अलावा जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा होती है कहीं ना कहीं वह भी असंतुलित होती है अत्यधिक प्रयास करने से, इसलिए साधक को ध्यान में रखना चाहिए कि जब वो योग साधना में आगे की ओर अग्रसर हो रहा है तो उसे अत्यधिक प्रयास से बचना चाहिए। अगला जो तीसरा हमारा बाधक तत्व है वो है प्रजल्प। प्रजल्प अर्थात अत्यधिक बोलना, जरूरत से ज्यादा बोलना। योग साधना में जरूरत से ज्यादा बोलना भी एक तरीके से बाधक तत्व के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि अधिक बोलने की जो व्यवहारिकता होती है उससे हमारी शारीरिक ऊर्जा का
ह्रास होता है यानी क्षय होता है, इसलिए ऊर्जा को बचा कर रखना है, उसका संचय करना है ताकि उसे साधना की ओर लगाया जा सके। और सामान्य रूप से भी यदि हम देखते हैं तो ज्यादा गपशप करने में समय भी व्यतीत होता है और साथ ही साथ लोगों से संपर्क बढ़ता है यानी लोक संपर्क बढ़ता है, जिस वजह से साधना से जो पदभ्रष्ट होने की ज्यादा संभावना रहती है, हम जिसे कहते हैं कि डाइवर्ट हो जाना, माइंड का डाइवर्ट हो जाना। तो इसलिए योग साधना में इसे भी बाधक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। और जब आप ज्यादा लोक संपर्क रखते हैं तो उससे क्या होता है, यही आसक्तिपूर्ण जो नकारात्मक वृत्तियां होती हैं वो व्यक्ति के अंदर यानी साधक के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, इस प्रकार के जो नकारात्मक वृत्तियां होती हैं उनको बढ़ाती हैं, जो कि योग साधना में बाधक मानी जाती है। अगला यदि हम बात करेंगे वह है अगला बाधक तत्व नियमाग्रह, अर्थात नियमों में सख्ती। यानी नियमों का आग्रह तो करना है पर बहुत ज्यादा उसका कड़ाई से पालन करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि ये आपकी साधना में बाधा उत्पन्न करता है। योग साधक को जो शास्त्रोक्त या सामाजिक धार्मिक जो उसकी मान्यताएं हैं उनका पालन करना चाहिए, लेकिन उसे अनिवार्य नहीं रखना चाहिए। कि मान लीजिए कि बहुत ज्यादा सर्दी है और ऐसा स्थान है जहाँ पर आप ठंडे जल से स्नान नहीं कर सकते, सामान्यतः यदि साधक कर रहा है उसकी शारीरिक स्थिति नहीं है, ऐसी देश काल परिस्थिति नहीं है, तो उसको उसमें बहुत ज्यादा सख्ताई नहीं रखनी चाहिए कि आप साधक को ठंडे पानी से ही नहाना है, क्योंकि वह नियमित इसका स्नान करता है, इसका पालन करता है। यदि वह ऐसा करता है तो वह अपने शरीर को कष्ट देता है और इस प्रकार से जो भी शारीरिक और मानसिक उनके नियम होते हैं उसमें उसे बहुत ज्यादा कड़ाई नहीं रखनी है, क्योंकि यदि वो सख्ती रखेगा तो वो उसको शारीरिक और मानसिक स्तर पर नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, जिससे उसकी योग साधना बाधित होगी। तो विशेष रूप से किसी भी प्रकार से हमारे शारीरिक यानी साधक के शारीरिक और मानसिक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, जिससे कि योग साधना को भली प्रकार से नहीं कर पाए, तो इन चीजों को वर्जित यहाँ पर कहा गया है। अर्थात यदि साधक इनको करता है तो उसकी साधना में ये विघ्न उत्पन्न करेंगे। अगला है जनसंघ। जनसंघ यानी कि लोक संपर्क, अधिक लोगों का संघ। अभी मैंने पूर्व में इसकी आपसे चर्चा करी, क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंपर्क होने से भी जो साधक होगा उसे अपने संबंधों को या हम कहेंगे बातचीत के द्वारा या फिर अपने कर्तव्यों के द्वारा उसका पालन करना पड़ेगा, जिससे कि उसका समय भी नष्ट होगा और उसकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भी साधना में प्रविष्ट न होकर वो अन्य लोगों के संपर्क में जाएगी, यानी खर्च होगी, हम कह सकते हैं नष्ट होगी। तो इस चीज से उसको बचना है, क्योंकि अधिक लोगों का संघ जो है साधक को त्यागना है। हठ योग में जनसंघ को भी यहाँ पर बाधक तत्व माना गया है, और साथ ही जो लोक संपर्क होता है वो साधना मार्ग में भटकने के लिए जो होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फैक्टर हो सकता है। और वहीं एकाग्रता की जो साधक को आवश्यकता है वो उसके चित्त की एकाग्रता को भी बाधित करेगा जो अधिक लोक संपर्क है। और अंतिम जो हमारा बाधक तत्व है वो है लॉल्यम, अर्थात चंचलता। यहाँ पर मन की चंचलता या स्वभाव की चंचलता की बात की गई है, क्योंकि चंचल जो व्यक्ति होगा, चंचल साधक होगा, वो किसी एक मार्ग पर निरंतर एकाग्रता पूर्वक चलना उसके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो चंचल वृत्ति है उसका त्याग करना है, क्योंकि चंचलता भी हमारी योग साधना में बाधक तत्व है। इसलिए चंचल वृत्ति योग साधना में आपको भटकाएगी, इसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। और साथ ही क्या होता है कि मन के अनुसार साधना आपको नहीं करनी है। यदि मन के अनुसार चंचल वृत्ति है, आप मन के अनुसार कार्य करेंगे तो आपका मन बार बार इधर से उधर भटकेगा, जिस वजह से मन साधना में नहीं लग पाएगा। तो इसलिए पहले मन को साधना है, ताकि मन की जो चंचलता है वो दूर हो सके। और मन की चंचलता के कारण जो होता है आहार की अनियमितता और अभ्यास की अनियमितता, इस तरह की अस्थिरता की संभावना भी योग साधना में बनी रहती है। इसलिए जो अभी मैंने ये सारी चीज़ों का आपके सामने वर्णन किया, ये सारी जो बाधाएं हैं ये योग साधना में जिनका मैंने आपके सामने अभी वर्णन किया, ये सभी हमारे बाधक तत्व थे जो साधना की मार्ग से भटकाते हैं, अर्थात डाइवर्ट करते हैं। इसलिए स्वामी स्वात्माराम जी ने इसका पहले ही वर्णन कर दिया है कि योग साधना में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो साधना की ओर न ले जाकर साधना को बाधित करते हैं।
तो इनको हमने जाना और इनका योग साधना में हठ योग में महत्व भी बताया गया है। धन्यवाद।